Hello everyone, welcome to JPS platform. I am Vinay Rajput and mechanics की अपनी lecture चल रही है. Mechanics के lecture में मैंने last class में vectors की बात की, जिसमें मैंने vectors addition की बात की थी और field की बात की थी कि field का मतलब क्या होता है. तो इस तरीके से मैंने पिछले class में बताया आपको और कुछ चीज़ें मैं आपको revise कराऊंगा, उसके बाद मैं आगे proceed करूंगा. In fact मैं आज कुछ question भी कोशिश करूंगा कि कुछ question भी करूँ, बिकॉज जब तक क्वेश्चन ना लगाओ वो फीलिंग नहीं आती है कि वो फिजिक्स पढ़ रहे हो आप, मैकेनिक्स पढ़ रहे हो. तो डेफिनेटली क्वेश्चंस लगाएंगे और क्वेश्चंस इतने लगाएंगे कि, लेकिन हाँ, वो क्वेश्चन का जो आधार है, उस क्वेश्चंस को जो सॉल्व करना है ना, उसकी जो आधार है वो है थ्योरी, कि आपको थ्योरी पोर्शन क्लियर होना चाहिए कि कब अप्लाई करना है. आप लोग अगर पिछले साल के क्वेश्चन देखे होंगे जो आए हैं अभी इस समय, जो इसके पहले जो क्वेश्चन गेट में आए थे, उसमें आपने अगर एक क्वेश्चन देखा होगा, उसमें टू व्हील हैं और एक्सल से अटैच हैं, एक्सल से, दो व्हील एक्सल से अटैच हैं, उस पर क्वेश्चन पूछी गई थी और उस पर बहुत कंफ्यूजन लोगों को हुआ कि कैसे होगा. और फिर उसमें लोगों ने अलग अलग आंसर दिया. तो क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ लोगे ना क्या है, क्योंकि वो रोटेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे है, और तो वो इसलिए मैं वहाँ पे बात करूँगा जब मैं रोटेशन पढ़ाऊँगा. लेकिन आपको वो कॉन्सेप्ट मैं पहले समझाऊंगा कि रोटेशन क्या है, रोलिंग क्या है. जब आप समझोगे कि रोलिंग रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन है, तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, और आप कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पोर्शन होता है ना, ये पोर्शन, ये अगर अगर ये रोटेट भी कर रही है और आगे भी मूव कर रही है, तो सिर्फ यही मास है, जो यही पॉइंट है जो लीनियर एक्सेलरेशन इसके पास होती है, यही है जो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, बाकी सारे पार्ट मूव करते हैं सर्कल में, बट यही पार्ट है. तो ये चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है, और तब जाके आप लीनियर एक्सेलरेशन डिफाइन करते हो. आई सेंटर का कॉन्सेप्ट समझेंगे कि लोग आई सेंटर का कॉन्सेप्ट कैसे, इसके बाद आई सेंटर निकालोगे, यहां से इसको रिम मान लोगे तो एमआर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, कैसे होगी, तो कब लगाना है आई सेंटर, एक व्हील के लिए है कि दोनों व्हील के लिए है. आई सेंटर अगर लगा रहे हो तो किसी एक व्हील पे लगा रहे हो या दो व्हील पे लगा रहे हो, ये सारी चीजें की कॉन्सेप्ट क्लियर करनी होगी, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे. और बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो रियल लाइफ में आप देखते हो कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो फ्रिक्शन का टॉर्क कहाँ होगा, ये जो फोर्स लगी है यहाँ पे उसका टॉर्क क्या होगा, कौन सा टॉर्क ज्यादा होगा. जाहिर सी बात है, फ्रिक्शन का टॉर्क एंड ये क्लॉकवाइज होगा तो ये टॉर्क हमेशा ज्यादा होगा, तभी बॉडी आगे की ओर रोल करेगी. क्लॉकवाइज है टॉर्क, नेट टॉर्क क्लॉकवाइज ज्यादा होगा, तभी रेस्ट से अगर बॉडी आपको मूव करना है आगे, तो नेट टॉर्क जो क्लॉकवाइज है वो ज्यादा होना चाहिए. तो ये सब चीज ध्यान रखना पड़ेगा, तभी बॉडी आगे मूव करेगी अगर रेस्ट में है. तो ये सब, नेट टॉर्क कब ज्यादा होगा, ये सब चीजें हमें ध्यान देनी पड़ेगी. तो पिछले क्लास में मैंने बात की थी कि चीजें आपको समझते हुए, इसीलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस तभी सॉल्व होंगे, अदरवाइज क्या है कि मैं तो सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि जितना मैं बता रहा हूँ उतनी अंडरस्टैंडिंग से ज्यादा मुझे पता है और कैसे कैसे हो सकती है, फिर भी मैं आपको उतना बताऊंगा जो आपके गेट के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो क्रैक हो जाए, है ना, वो क्रैक हो जाए, गेट का हो या इसरो का हो या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का हो या सिविल सर्विसेज का हो, जो मेन पोर्शन में क्वेश्चन कराऊंगा अभी आप देखना. तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो मैंने लास्ट क्लास से मैं लेके चलते आ रहा हूँ, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज नथिंग बट द फिजिकल साइंस विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन ऑब्जेक्ट फोर्सेस का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पे क्या होगा. ऑब्जेक्ट रिजिड बॉडी हम लोग मानते हैं, है ना, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जिन बॉडी पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो बॉडी के बीच के किसी भी बिंदु को ले लो, उस बॉडी के अंदर कोई भी दो पार्टिकल को ले लो, किसी दो बिंदु को ले लो, फोर्स अप्लाई करने के बाद वो बिंदु के बीच की दूरी चेंज नहीं करेगी. फोर्स के अप्लाई करने से पहले जितनी दूरी थी वही दूरी फोर्स अप्लाई करने के बावजूद होगी, मतलब बाद भी होगी, यानी कि डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट का कहीं भी ले लोगे बॉडी के अंदर, वो डिस्टेंस एल है तो एल ही रहेगा फोर्स अप्लाई करने से पहले और बाद में भी, ये हम एजम्पशन मान के चलते हैं, बट रियली में चेंज करती है डिस्टेंस. तो ही तो बात करते हैं ना, डिफॉर्मेबल बॉडीज की बात करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सोम पढ़ते हो ना, सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सब एक ही मतलब है. तो इसीलिए ये हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में ये हम लोग आइडियलाइजेशन, ये एजम्पशन मान के चलते हैं, सो दैट कि अपनी जो स्टडी है वो ईजी हो जाए, हमारी लाइफ ईजी हो जाए, हम चीज़ों को, फिजिकल सिस्टम को एक ईजी वे में समझ पाए और
वो एक्चुअल जो रियल लाइफ की प्रॉब्लम है उसको भी वो रिफ्लेक्ट करे, ये भी ध्यान रखना है कि एजम्पशन ऐसा नहीं ले लेना है कि ऐसा नहीं ले लेना है कि रियल लाइफ की जो प्रॉब्लम है, जो रियल लाइफ में फिजिकल सिचुएशन है, हमारी एजम्पशन इतनी ज़्यादा हो गई कि रियल लाइफ से मैच नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है। हम लोग उतना एजम्पशन लेते हैं जितना से हमारी क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाए, हमारी लाइफ इजी हो जाए एंड हम रियल फिजिकल सिस्टम को एक्सप्रेस भी कर पाए। ये भी ध्यान रखना है कि हमारी एजम्पशन मैच भी करे रियल सिस्टम से, है ना। उस तरीके का एजम्पशन लेना होता है। आइडियलाइजेशन हम लोग लेते हैं, रिजिड बॉडी एक आइडियलाइजेशन है, ठीक है, और बहुत सारे आइडियलाइजेशन और भी हैं, मैं धीरे धीरे बताऊंगा आपको। स्टेंटोमेटेरियल में आप पढ़ोगे कंसंट्रेटेड फोर्स जो होती है वो भी एक रिजिड बॉडी के साथ ही आइडियलाइजेशन आती है। कंसंट्रेटेड फोर्स जो होती है ना वो रिजिड बॉडी के साथ ही एक आइडियलाइजेशन के रूप में आती है। तो क्योंकि कंसंट्रेटेड फोर्स नॉर्मली होते नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, फोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। यहाँ से किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो एक पॉइंट पे नहीं, वो एक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इस बॉडी पे, बट हम लोग एक आइडियलाइजेशन मान के चलते हैं कि वो बॉडी पे जो फोर्स है वो कंसंट्रेटेड है एक पॉइंट पे। तो वो कंसंट्रेटेड फोर्स तभी आप मान पाओगे जब आप बॉडी को पहले रिजिड बॉडी मान चुके हो। तो रिजिड बॉडी आइडियलाइजेशन के साथ ही कंसंट्रेटेड फोर्स की आइडियलाइजेशन आ जाती है। ये चीजें हैं। पिछली क्लास में मैंने वेक्टर की बात की थी और मैं इसमें ये बताऊं आपको कि आपको याद होगा कि मैंने फील्ड की बात की थी। देखिए आप वेक्टर स्केलर पढ़ते हैं लेकिन आप ये भी सुनते हैं कि कोई फोर्स फील्ड भी होता है। आप सुने होंगे फोर्स फील्ड, तो फोर्स फील्ड का मतलब क्या है? सेम चीज है। अगर फिजिकली आप समझोगे फोर्स फील्ड के पास मतलब एक वेक्टर फील्ड है, फोर्स एक वेक्टर है, तो फोर्स फील्ड की बात करो या वेक्टर फील्ड की बात करो। वेक्टर फील्ड मतलब वेक्टर के एग्जांपल ले लो जो भी है, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सारे फील्ड में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फोर्स फील्ड क्या होता है? आप बोलते हो कोई पार्टिकल फोर्स फील्ड में है, कोई एक पार्टिकल इस फोर्स फील्ड में है, कोई एक पार्टिकल, कोई एक चार्ज इस इलेक्ट्रिक फील्ड में है, कोई एक चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि फील्ड जो होते हैं ना, फील्ड स्केलर, आपने स्केलर वेक्टर पढ़ा, स्केलर और वेक्टर फील्ड में अंतर ये होता है कि स्केलर फील्ड के पास एक नंबर होती है, जैसे मैंने आपको स्केलर में समझाया था, एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर फील्ड। वेक्टर फील्ड मतलब एक मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर फील्ड को, एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फील्ड को एक नंबर के साथ साथ डायरेक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं जो आपने वेक्टर में पढ़ा है। बट इसकी फिजिकल मीनिंग और भी निकल के आती है कि वेक्टर फील्ड क्या होते हैं। कि अगर मैं बात करूं तो अगर ये अर्थ है, ये अर्थ है, मैंने पिछली क्लास में बताया, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं। ये अर्थ है, अगर यहां पे कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है, तो ये बॉडी को ये अर्थ कहां अटैक करेगी? नीचे की ओर। अगर यहां है तो यहां, यहां है तो यहां, मतलब सरफेस की ओर, अर्थ के सेंटर की ओर, टुवर्ड्स द अर्थ ये बॉडी अट्रैक्ट होगी, क्योंकि जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी कहां है? नीचे। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो ऑलवेज नीचे टुवर्ड्स द अर्थ लगती है, ग्रेविटी की फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगती है। तो इससे आप समझते हो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे है तो पार्टिकल यहां रखो, यहां रखो, यहां रखो, सारे अर्थ की ओर ही ये अट्रैक्ट होगी। बट इससे अच्छा आप ये समझ सकते हो कि दिस ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ऑब्जेक्ट आपने रखा है यहाँ यहाँ यहाँ, कहीं भी रखोगे तो अर्थ की ओर अट्रैक्ट होगी। इस ऑब्जेक्ट को फील कर रहा है, एक फोर्स फील कर रहा है, आप समझ रहे हो, एक फोर्स फील कर रहा है ये ऑब्जेक्ट, और द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये जो फील कर रहा है फोर्स, ये ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण ये एक फोर्स फील कर रहा है जो कि टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, यहाँ की ओर वो अट्रैक्ट हो रही है। बट अगर आप बात करो तो आप रियली में जाओगे तो एक फील्ड है यहाँ पे, एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, रियली में बात करूं एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनी हुई है, ग्रेविटेशनल फील्ड बनी हुई है। और ग्रेविटेशनल फील्ड बनी हुई है इसका मतलब क्या है? ये ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपने पार्टिकल रखा या नहीं रखा उससे मतलब नहीं करती, ग्रेविटेशनल फील्ड है और वो वेट कर रही है कि आप कब किसी चीज को रखो कि वो एक्ट कर जाए। तो वेटिंग है, फोर्स वेटिंग टू हैपन, वेट कर रहा हैपन मतलब लगने के लिए। ऑलरेडी ग्रेविटेशनल फील्ड इस अर्थ सरफेस के ऊपर लगी हुई है, पूरी जगह फैली हुई है ग्रेविटेशनल फील्ड। आपने जहां किसी पार्टिकल को रखा, जैसे इस अर्थ पे मैं हूं, जहां मैंने इसको यहां पे रखा, छोड़ा, तो फोर्स लग गई सीधा, कहां? नीचे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब ये होता है फोर्स इज वेटिंग टू हैपन, मतलब फोर्स लगने के लिए तैयार है, बस आप पार्टिकल को लाके तो छोड़ो इस फील्ड में। जैसे आपने पार्टिकल को लाया, फील्ड ऑलरेडी है, इसमें फील्ड ऑलरेडी है, फील्ड ऑलरेडी अर्थ के सरफेस के ऊपर, आप देखो कि फील्ड ऑलरेडी है, बस आप पार्टिकल को लाइए, छोड़िए, वो पार्टिकल पे फोर्स लग जाएगी। तो फोर्स वेटिंग टू हैपन, ऑलरेडी वेट कर रहा है फोर्स, कोई तो आए,
कोई पार्टिकल तो आया, तो लो आ गया एक पार्टिकल ये। अब छोड़ तो दो इसको, मैं दिखाता हूं कि मैं ग्रेविटेशनल फील्ड किधर लगती है नीचे। तो फील्ड मतलब क्या है, फोर्स वेटिंग टू हैपन, फोर्स वेट कर रहा है कि वो लगे, ठीक है, किस पे, जिस पार्टिकल को आप रखोगे फील्ड के अंदर। तो फील्ड ऑलरेडी है, आप जैसे ही किसी पार्टिकल को रखते हो उस पे फोर्स लग जाती है। और ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हो तो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ या टुवर्ड्स द सर्फेस, यहाँ रखोगे यहाँ लगेगी, यहाँ रखो किसी पार्टिकल को यहाँ लगेगी, बॉडी भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ यहाँ यहाँ, तो टुवर्ड्स द सर्फेस ऑफ अर्थ। ये हमने समझाया था, ये फील्ड का मतलब है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड से मैंने समझा दिया। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिया है ग्रेविटेशनल फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड इसकी एग्जाम्पल है जो मैंने दिया। तो फील्ड कॉन्सेप्ट की बात करूं, अगर फोर्स फील्ड की बात कर रहा हूं ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए फोर्स, फोर्स की कॉन्सेप्ट है डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट, हर पॉइंट पे, कहीं भी रखो आप पार्टिकल को, बॉडी को कहीं भी रखो, अगर कॉन्सेप्ट फोर्स की बात करोगे, फोर्स फील्ड की बात करोगे, फोर्स एक वेक्टर है और वेक्टर फील्ड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए फोर्स इज डिफाइंड बाय एवरी पॉइंट इन स्पेस, स्पेस के हर पॉइंट में आप डिफाइन कर सकते हो, यही है वेक्टर फील्ड, आप हर पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो। तो फोर्स को भी आप हर पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो, यहां रखोगे पार्टिकल स्पेस में, यहां भी लग रही है, यहां भी, यहां भी, तो हर पॉइंट पे डिफाइन कर सकते हो, ये है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ए फोर्स डिफाइंड फॉर एवरी पॉइंट इन स्पेस इज कॉल्ड ए फोर्स फील्ड। फोर्स फील्ड का क्या है, फोर्स जो है डिफाइंड हो एवरी पॉइंट इन स्पेस, एवरी पॉइंट इन स्पेस, हर पॉइंट पे फोर्स डिफाइंड हो, तो हर पॉइंट इन स्पेस के हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे अगर डिफाइन कर पा रहे हो फोर्स को, वो फोर्स फील्ड है। आप यहां रखा यहां लग गई, 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 तो हर पॉइंट पे आप डिफाइन कर रहे हो ना, स्पेस के हर पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हो। तो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है फोर्स की, जिसको आप फोर्स फील्ड की तरह समझते हो, कि फोर्स फील्ड में कोई पार्टिकल रखा है, वो हर पॉइंट, स्पेस के हर पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा, हर पॉइंट के लिए। ये है फील्ड, फील्ड का मतलब यही होता है, वेक्टर फील्ड का मतलब कि हर पॉइंट के लिए डिफाइंड होगा। ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, इसको ऐसे समझे, द फोर्स की जो कॉन्सेप्ट है, अगर फोर्स फील्ड को ले रहे हो, डिफाइंड बाय एवरी पॉइंट इन स्पेस, हर पॉइंट, स्पेस के हर पॉइंट पे डिफाइंड है, दैट इज नोन एज फोर्स फील्ड, ये फोर्स फील्ड है। अगर इन जनरल फील्ड की बात करोगे, तो फील्ड और फोर्स फील्ड और फील्ड इन जनरल इज ए फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है, डेफिनेटली एक फिजिकल क्वांटिटी है, वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फोर्स फील्ड और फील्ड इन जनरल इज ए क्वांटिटी विच इज डिफाइंड फॉर ऑल पोजिशन, हर पोजिशन के लिए डिफाइंड है, ये भी डिफाइन कर सकते हो, मैंने पिछली क्लास में डिफाइन किया था। और कैसे डिफाइन करोगे, फोर्स इज ए फील्ड इज ए क्वांटिटी, फील्ड इज ए क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट लोकेशन, दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट लोकेशन, हर लोकेशन पे आप जाओगे तो हर लोकेशन पे अलग अलग वैल्यूज ये ले लेगी, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। यानी कि हर स्पेस के हर पॉइंट पे आप डिफाइन कर सकते हो फोर्स फील्ड को, है ना, या फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है, मैग्नेटिक फील्ड भी हो सकती है, फोर्स फील्ड भी हो सकती है, उसके अंदर कुछ भी रख दो पार्टिकल बॉडी, तो हर पॉइंट आप, स्पेस के हर पॉइंट के लिए आप डिफाइन कर सकते हो फील्ड को, ठीक है। तो फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज एट डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट लोकेशन पे, डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट लोकेशन, स्पेस के डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट वैल्यूज ये देगी, ये है फील्ड, ठीक है। और इसकी एग्जांपल और भी मैं दे सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड का मैं समझा सकता हूँ, पोजिशन वेक्टर को लेकर समझा सकता हूँ। अगर आप पोजिशन वेक्टर की बात करते हो, अगर देख लो, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, तब जाके आप क्वेश्चन की भाव समझ पाओगे जो गेट में आती है या यूपीएससी में आ रहा है। ये नहीं समझोगे तो क्वेश्चन का भाव नहीं समझ पाओगे, क्या बोलना है, बोल रहा है वो, है ना, जहां डिफिकल्ट क्वेश्चन आई तो लगेंगे नहीं। तो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करूं और ये पॉइंट आपने ले लिया ओरिजिन, ठीक है, अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ अर्थ ले लो, ये पॉइंट आपने ले लिया सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, ठीक है, इस सेंटर ऑफ अर्थ से इस पॉइंट को जोड़ो आप, ठीक है, आप समझ गए पोजीशन वेक्टर उसको बोलते हैं, मैं समझाऊंगा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होती है जब किसी भी पॉइंट को अगर आप उसके पोजीशन बताना चाहते हो तो एक ओरिजिन सेटअप करो, एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ, उसके ओरिजिन से उस पॉइंट की ओर एक वेक्टर को डाल दो, ठीक है, तो वो पोजीशन वेक्टर होगी। हमेशा ओरिजिन से ही लेते हैं, मैं बताऊंगा आगे चल के।
तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है वो मान लो x कॉमा वाई है, ठीक है, ये एक पोजीशन वेक्टर है, x कॉमा वाई इसका कोऑर्डिनेट है। अगर मैं यहां एक पॉइंट लेता हूं तो यहां से एक देखो, ठीक है, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताओ सेम हुआ, कोऑर्डिनेट अलग अलग है। तो मैंने क्या बोला था, फोर्स फील्ड या फील्ड, या फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट लोकेशन, इस लोकेशन पे अलग, इस लोकेशन पे अलग, क्यों, क्योंकि इस लोकेशन की कोऑर्डिनेट अलग है, इस लोकेशन की कोऑर्डिनेट अलग है, ठीक है। तो ये है मतलब डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट लोकेशन, डिफरेंट वैल्यू, यहाँ की वैल्यू इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, बिकॉज एक्स वाई जेड ही बदल चुके हैं कोऑर्डिनेट, तो वेक्टर भी बदल चुका है, फील्ड का मतलब अलग अलग वैल्यू मिलेगी आपको इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, क्योंकि कोऑर्डिनेट बदल चुके हैं। ये है मतलब, आप यहां से भी समझ चुके हो सकते हो ये मैंने क्या समझाया है। तो एवरी पॉइंट हैज, हर पॉइंट को ले लो कहीं भी, यहां वहां कहीं भी ले लो, एवरी पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, हर पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट होगा कि भाई कितना एक्स पे है और कितना वाई में है, कितना आप कितना हॉरिजॉन्टल चले और कितना ऊपर चले, एक्स कॉमा वाई, एक्स हॉरिजॉन्टल है, वाई वर्टिकल इसमें है, कितना एक्स कितना वाई, तो हर पॉइंट के पास एक्स वाई है, इसके पास भी है, कितना एक्स निगेटिव में वाई, हर पॉइंट के पास एक्स वाई है, तो एवरी पॉइंट हैज कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई। इफ वी डिफाइन सम पॉइंट, अगर आप कुछ पॉइंट डिफाइन करना चाहते हो, कोई भी पॉइंट डिफाइन करना चाहते हो, और उस पॉइंट को एक सेंटर ऑफ अर्थ आपने डिफाइन किया, सेंटर ऑफ अर्थ से आपने एक पॉइंट को जोड़ दिया, ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ को ओरिजिन मैंने ले लिया, सेंटर ऑफ अर्थ से उस पॉइंट को आपने एक वेक्टर से जोड़ दिया, ठीक है, तो वी कैन ड्रॉ ए लाइन, आप एक लाइन ड्रॉ किए कहां से, सेंटर ऑफ अर्थ से कहां तक, उस पॉइंट तक जिस पॉइंट की आप बात कर रहे हो, एंड दैट पॉइंट, इस पॉइंट के पास कुछ एक्स वाई थर्ड एक्सिस में लोगे तो जेड एक्सिस भी होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट, तो एक्स वाई जेड वैल्यू होगी, ठीक है, इस पॉइंट के पास, और दिस पॉइंट, दिस वेक्टर इज ए वेक्टर फील्ड, ये एक वेक्टर फील्ड होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन कहां आप मेजर कर रहे हो, ये जो वेक्टर है एक वेक्टर फील्ड है, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है कि यहां पे मेजर कर रहे हो तो एक्स वाई जेड कुछ होगी, यहां मेजर कर रहे हो तो कुछ एक्स कुछ वाई कुछ जेड अलग होगी। तो मैंने फील्ड के लिए डेफिनेशन ही दिया है कि फील्ड इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट लोकेशन, दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वैल्यूज होती है, ये एक फील्ड है, ये वेक्टर एक फील्ड है जो पोजिशन वेक्टर के नाम से जानते हो, ठीक है, तो ये एक वेक्टर फील्ड है, वेक्टर फील्ड मतलब वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग वैल्यू होती है, उसको फील्ड कहते हैं, वेक्टर फील्ड। अब स्केलर फील्ड क्या है समझ लो, स्केलर फील्ड, आज के बाद आपको कभी दिक्कत नहीं होगी ये सब चीज सुनने में, स्केलर फील्ड क्या है, स्केलर फील्ड आप जानते हो क्या है, स्केलर मैंने क्या बताया था, स्केलर को नॉर्मली आप एक नंबर से बताते हो, ठीक है, एक नंबर से दर्शाते हो उसकी, ठीक है, तो ये एक स्केलर होता है और उसी को स्केलर फील्ड भी बोलते हैं। फील्ड लगाने का मतलब कुछ फिजिकली समझना पड़ता है यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा, बट वही स्केलर जो आप समझते हो वही है। फिजिकली क्या मतलब है इसका, अगर मैं बात करूँ फिजिकली, तो जैसे आप स्केलर में कितने एग्जाम्पल पढ़े हो, जैसे मैंने बताया था आपको टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, डेंसिटी भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मास भी है, टेम्परेचर भी है, प्रेशर भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, आपने सुना होगा, आप लोग क्योंकि इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का नाम आपने सुना होगा कहीं, 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है याद होगा, तो आपको वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टेम्परेचर प्रेशर, तो ये टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या है, अगर आप अगर देखो, थोड़ा सा ज्योग्राफी में मैं जाता हूँ और आपको स्केलर फील्ड समझाता हूँ टेम्परेचर प्रेशर को लेके। ज्योग्राफी में भारत की ज्योग्राफी देख लो या अमेरिका की देख लो, उसकी जो पोजीशन है, तो अगर मैं भारत की देख लूँ, ठीक है, भारत की देख लूँ, तो भारत में अगर देखो, तो आप अगर देखोगे न्यूज़ में देखोगे या कहीं भी देखोगे, तो आपको एक आइसोथर्म का आपने नाम सुना होगा। आप थोड़ा सा बियर करना, क्योंकि मैं स्केलर फील्ड समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ जाओगे, क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर आप जानते हो ना स्केलर है, तो स्केलर फील्ड टेम्परेचर प्रेशर वो भी स्केलर फील्ड ही है, मतलब स्केलर स्केलर फील्ड में कोई अंतर नहीं है। फिजिकली मतलब समझना है आपको कि क्या फिजिकली अंतर आती है। आप ऐसे समझ रहे हो कि स्केलर के पास एक नंबर होती है, यस, स्केलर फील्ड के पास भी एक नंबर होती है, एक नंबर से डिफाइन करते हैं, मीनिंग क्या है, मीनिंग समझो। तो आपने देखा होगा कि मान लो कि अगर मैं बात करूं, आइसोथर्म ड्रॉ की जाती है भारत में,
या हर कंटिनेंट के किसी भी कंट्री में चले जाओगे, आइसोथर्म आइसोबार डिफाइन की जाती है, आइसोथर्म या आइसोबार। तो आइसोथर्म की बात कर लोगे या आइसोबार की बात कर लोगे, जैसे आइसोबार ले लो तो यहाँ पे कुछ होगा और आइसोबार आइसोथर्म को ही फॉलो करती है, ठीक है। जहाँ हाई टेम्परेचर होगा वहाँ लो प्रेशर होगा, वो कन्वेक्शनल करंट उठती है, तो मतलब आइसोथर्म आइसोबार एक दूसरे को फॉलो करती है, ठीक है। तो क्या होती है आइसोथर्म आइसोबार जो होती है वो आइसोथर्म को फॉलो करती है, टेम्परेचर प्रेशर रिलेशनशिप आप जान समझ सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस, समझ सकते हो, क्योंकि ये इक्वेटर के पास का एरिया यहाँ पे है ना, तो जितना पास होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर, उसके बाद उसके पास कम टेम्परेचर। तो ये एक आइसोथर्म है और यहाँ पे ये बताई जाती है कि इस कॉन्टिनेंट, इस सब कॉन्टिनेंट, ये सब कॉन्टिनेंट जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट है, इस सब कॉन्टिनेंट के किसी भी पॉइंट पे आप टेम्परेचर को एक डिफाइन कर सकते हो, एक वैल्यू बता सकते हो, और इस पॉइंट पे, इस लाइन पे जो आइसोथर्म आपने ड्रॉ किया, आइसोथर्म मतलब सेम टेम्परेचर, आइसो मीन्स सेम, थर्म इज टेम्परेचर, इस पॉइंट, इस लाइन पे, यहाँ पे किसी भी जगह पे आप जाओगे तो टेम्परेचर की वैल्यू सेम होगी, मतलब इस कॉन्टिनेंट में इस पॉइंट, इस लाइन पर आप कहीं भी मूव करोगे टेम्परेचर की वैल्यू सेम होगी, इस लाइन पर कहीं मूव करोगे टेम्परेचर की वैल्यू सेम होगी, किसी भी पॉइंट पे, इस पे टेम्परेचर की वैल्यू 32, इस पॉइंट, इस लाइन पे 34, इस लाइन पे। तो वी कैन डिफाइन ए क्वांटिटी फॉर ऑल पोजिशंस ऑन द ऑन दिस सब कॉन्टिनेंट, हर पोजिशन पे आप एक क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हो, दैट इज नोन एज आइसोथर्म, जिसको हम आइसोथर्म बोलते हैं, और That is known as temperature. Isotherm is the same temperature line, same temperature. 36 का, 34 का, 32 का. तो इसी तरीके से आप isobar भी define करते हो. तो ये meaning है कि we can define temperature for all positions on this subcontinent. इस subcontinent के, Indian subcontinent के हर position पे आप temperature को define कर सकते हो. And that shows the isotherm. ये isotherm को बताती है. और इसकी physical significance निकल के आती है बहुत सारी चीजें. इसमें anomaly भी पढ़नी पड़ती है. But आप उतना नहीं जाएंगे. Thermal anomaly क्या होती है? ठीक है, डेविएशन की बात की जाती है वहाँ पे थर्मल ज्योग्राफी में, जब मैं ज्योग्राफी की चीज़ें पढ़ाऊंगा यूपीएससी के लिए तो वहाँ पे मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा, बट आपको स्केलर फील्ड समझना है तो स्केलर फील्ड का एग्जांपल क्या हो सकता है, टेम्परेचर, आपने आइसोथर्म समझा, विच इज डिफाइंड फॉर ऑल पोजिशंस, ऑल पॉइंट इन स्पेस, ऑल पॉइंट इन स्पेस आप एक टेम्परेचर डिफाइन कर सकते हो जो कि एक आइसोथर्म है। यहाँ पे अगर मेजर कर रहे हो, इस प्लेस पे मेजर कर रहे हो, इस प्लेस में मेजर करो, सेम टेम्परेचर मिलेगा, इस प्लेस पे, इस प्लेस पे, इस पे सेम टेम्परेचर, एक आइसोथर्म लाइन है ये। और इस पर भी कॉन्सेप्ट है कि आइसोथर्म लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, बट वो आपको नहीं समझे, बट इतना समझे ये आइसोथर्म लाइन है, टेम्परेचर हो गया, आइसोबार लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, आइसोबार लाइन, आइसोथर्म लाइन को भी फॉलो करती है लगभग आइसोबार लाइन, तो आइसोबार लाइन ड्रॉ कर लो, कुछ यहाँ पे 36 डिग्री सेल्सियस है तो मान लो कि ये 90 बार का है, ये कुछ बार होगा, ये कुछ बार होगा, ठीक है, यहाँ पे ज्यादा होगा, क्या कहते हैं, टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कम, ठीक है, ओपन सिस्टम में, और यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, यहाँ पे और ज्यादा प्रेशर होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है, तो हवाएं ठंडी होगी ना, टेम्परेचर कम है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये इस लाइन पे आपको किसी भी पॉइंट पे प्रेशर सेम होगी, तो आप डिफाइन कर सकते हो इस सब कॉन्टिनेंट, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हर पॉइंट इस सब कॉन्टिनेंट पे आप प्रेशर को डिफाइन कर सकते हो, जो कि आइसो बार हो गया, आइसो मीन्स सेम, बार मीन्स प्रेशर, ठीक है, सेम प्रेशर वाली लाइन। तो उसी तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, मैं इसको भी लेकर डिफाइन कर सकता हूं। तो ये है मतलब स्केलर फील्ड का। तो स्केलर फील्ड आप समझ चुके होंगे कि स्केलर फील्ड का मतलब क्या है, कि आप आइसोथर्म को डिफाइन कर सकते हो, जो कि आइसोथर्म एक्चुअली आपको हर पॉइंट, एवरी पॉइंट इन द सब कॉन्टिनेंट, आपको आइसोथर्म एक टेम्परेचर बताएगा कि कहां क्या टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये स्केलर फील्ड है, आप समझ गए, इसको नोट कर लो कि क्या मतलब है। मैंने टेम्परेचर प्रेशर दोनों समझाया, आइसोथर्म आइसोबार, ठीक है, और हर सब कॉन्टिनेंट में ड्रॉ की जाती है। आप जाओगे अमेरिका में, वहां पे भी ड्रॉ किया जाएगा उसके कॉन्टिनेंट के लिए, आपके कॉन्टिनेंट में भी ड्रॉ किया जाएगा, चाइना का भी, हर जगह का ये ड्रॉ किया जाता है, और इसके हिसाब से विंड की मूवमेंट को भी, ट्रेड विंड्स आपने नाम सुना होगा, इन चीजों को देखना पड़ता है, उसके बाद मानसून की स्टडी होती है। तो ये शिफ्ट करते हैं, वैसा है जब जैसे सन शिफ्ट करती है ना, जैसे सन अभी कहाँ है, अभी सदर्न हेमिस्फीयर से नॉर्दर्न की ओर रास्ता उसने ले लिया होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर सन आ रहा होगा, तो ये भी शिफ्ट करते हैं आइसोथर्म आइसोबार। बट आप इतना समझे कि आइसोथर्म आइसोबार क्या एक तरीके से स्केलर फील्ड है, मतलब टेम्परेचर प्रेशर क्या है एक तरीके से स्केलर फील्ड है। तो ये मतलब है कि दिस इज एक्चुअली डिफाइनिंग स्केलर फील्ड, और ये क्या बताती है, एवरी पॉइंट इन दिस सब कॉन्टिनेंट,
every point in this subcontinent you can associate a temperature. आप एक temperature associate कर सकते हो. Every point in this subcontinent you can associate a temperature, है ना? और the scalar field क्या है? जो कि temperature. The scalar field is temperature. The scalar field is pressure. Electrostatic potential. ये example है. तो ये मतलब है इसका scalar field का. एक normal मैंने समझाया, क्योंकि आपको isotherm isobar उतना detailing में नहीं जाना है कैसे draw किए जाते हैं. बट आप समझ सकते हो कि हाँ, आइसोथर्म आइसोबार जो है एक तरीके से हर को सब कॉन्टिनेंट में ड्रॉ किए जाते हैं, और आप उसके हिसाब से टेम्परेचर वगैरह हर पॉइंट पे आप बता सकते हो किसी भी सब कॉन्टिनेंट में. और उस आइसोथर्म पे मूव करोगे तो सेम टेम्परेचर मिलेगा, उस आइसोबार पे मूव करोगे तो सेम प्रेशर मिलेगा उस लाइन पे. ठीक है. अब मैंने बात किया था इक्वल वेक्टर. इक्वल वेक्टर का थोड़ा सा फीलिंग दू आपको इक्वल वेक्टर, क्योंकि आपने इक्वल वेक्टर को ऐसे समझा है जैसे कि सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो ऐसे वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम हो, ये तो लैंग्वेज में अच्छी बात है, बट इसको ड्रॉ करके मैंने ग्राफिकल और एल्जेब्रिक मेथड की बात की है. तो ग्राफिकल मेथड से कैसे शो कर सकते हैं इक्वल वेक्टर्स को? टू वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर. ठीक है. और लेट अस से ये पॉइंट P है, जो टेल है, ये Q है. ठीक है. ये O है और ये A है. दो पॉइंट है, टेल और हेड का. अब ये वेक्टर ये इक्वल तभी होंगे, अगर आपको ग्राफिकली समझना है, ये तभी होंगे अगर आपको चेक करना है कि ये A वेक्टर मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, इक्वल वेक्टर है. इक्वल का मतलब ये इक्वल वेक्टर है, मतलब सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ये तभी होगा अगर आपको चेक करना है. तो आपको क्या करना है कि आपको शिफ्ट करना है, किसी भी वेक्टर को उठाओ, बी को पैरेलली शिफ्ट करो या ए को शिफ्ट करो, किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो. शिफ्ट करके यहां ले जाओ. आपने अगर बी को लिया और बी को शिफ्ट कर रहे हो यहां पे, तो शिफ्ट करोगे तो ये बी यहां से इसका टेल यहां पे मैच करना चाहिए, और ये यहां से पूरा शिफ्ट कर रहे हो ना, ये हेड जो है इसके हेड से कॉन्साइड करना चाहिए. तो क्यू ए से कॉन्साइड कर जाए और पी ओ से कॉन्साइड कर जाए. कॉन्साइड कर जाए मतलब कि कॉन्साइड कर गया. ठीक है. ये यहाँ पे कॉन्साइड कर गया, तो पी ओ से कॉन्साइड कर जाए और क्यू ए से कॉन्साइड कर जाए. जब कॉन्साइड कर गया, आप ए को भी ला सकते हो, ए लाओ तो ओ पी पे कॉन्साइड कर लो, ए क्यू पे कॉन्साइड कर जाए, है ना? तो ये वेक्टर इक्वल वेक्टर कहलाएंगे. कब? जब आप किसी भी दो वेक्टर को में से किसी एक वेक्टर को इसको पैरेलल शिफ्ट कर लो या इसको शिफ्ट कर लो, और उसकी टेल टेल कॉन्साइड कर जाए, हेड हेड कॉन्साइड कर जाए, तब आप ग्राफिकली कह सकते हो कि हाँ, ये वेक्टर इक्वल वेक्टर है. अभी आपने लैंग्वेज से समझा, अभी आपने ग्राफिकली समझ लिया. कब कहोगे? जब उसका टेल कॉन्साइड कर जाए ओपी और पी क्यू ए क्यू कॉन्साइड कर जाए, कॉन्साइड कर जाए, तो आप बोलोगे ये वेक्टर दोनों इक्वल है. ये मीनिंग थी. ठीक है, आप समझ चुके हो. दोनों के दोनों हेड कॉन्साइड कर जाए और टेल कॉन्साइड कर जाए, तो कॉन्साइड कर जाएंगे, देन वी से ए वेक्टर इज इक्वल टू द बी वेक्टर. तो इक्वल वेक्टर का मतलब है, तो पैरेलल ट्रांसलेशन से जब वेक्टर इक्वल है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन है, पैरेलल ट्रांसलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप पैरेलल ट्रांसलेट करके यहां पे शिफ्ट करके देख सकते हो कि इसका हेड इसके हेड से कंसाइड कर रहा है, इसका हेड इसके हेड से कंसाइड कर रहा है, तो ये दोनों वेक्टर ए बी वेक्टर इक्वल वेक्टर है, मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है. और ये ग्राफिकली आपने सीख लिया कि कब बोलेंगे. ठीक है. अब आप कोई कंडीशन हो सकता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो जाए बट डायरेक्शन सेम ना हो. मैं मैग्नीट्यूड सेम कर देता हूं बट डायरेक्शन सेम ना हो, तो क्या इक्वल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आपने पढ़ लिया सेम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन चाहिए, तो ग्राफिकली दिखाए कैसे नहीं होगा भाई. अगर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है और डायरेक्शन क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा. जाहिर सी बात है, क्योंकि डेफिनेशन मैच नहीं कर रही है. लेकिन ग्राफिकली कैसे शो करेंगे? जैसे मैंने ग्राफिकली यहाँ पे दिखाया कि कैसे आप बोलोगे इक्वल वेक्टर है, वैसे ग्राफिकली शो करके दिखाए कि कोई वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है दो वेक्टर की कोई, और उसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा. तो ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? तो ग्राफिकली देखे कैसे दिखाएंगे. ठीक है, ग्राफिकली तो मान लो दो वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड ए और बी, जब ऐसे शो करते हैं तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड है, या जब ऐसे शो करते हैं तो भी इसका मतलब मैग्नीट्यूड है. मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है मैग्नीट्यूड निकालना, और मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होती है. इसका मैं डिटेलिंग में आपको बताऊंगा. ऐसे लिमिट में मॉडुलस फंक्शन पढ़ना, आपको मॉड वगैरह वहां पे पढ़ोगे, आपने सुना होगा वाई इक्वल टू मॉड एक्स, इस पे तो बहुत काम करना है अपने को. कॉन्टिन्यूटी वगैरह डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, वाई इक्वल टू मॉड एक्स, और इसमें ये कर लोगे तो इधर शिफ्ट करना है, प्लस कर लोगे तो इधर शिफ्ट कर लोगे, ये चीजें मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथमेटिक्स में. ठीक है ना,
लिमिट वगैरह जब पढ़ोगे तो कॉन्टिन्यूटी डिसकॉन्टिन्यूटी चेक करना पड़ेगा आपको, और ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस समय बताऊंगा वहां पे। बट आप समझ जाए कि मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो एक्वल टू बी ऐसा लिख सकते हो, और नहीं तो खरा बार भी लगा सकते हो, मॉड भी बना सकते हो, दो कटघरे में लगा दो इसको, ठीक है, तो भी मैग्नीट्यूड है। लेकिन 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 अगर इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, मैंने बोला ना मैग्नीट्यूड सेम है वेक्टर की, ए बी की, बट डायरेक्शन सेम नहीं है, मतलब दोनों वेक्टर बराबर नहीं है। दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, इक्वल कब होते हैं, जब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो ये वेक्टर तो बराबर नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है इन दोनों वेक्टर की, तो वेक्टर ये बराबर नहीं है। कैसे, इसका मतलब ये है कि अगर कोई ए वेक्टर यहां है, ठीक है, ये ए वेक्टर, और मैं सेम मैग्नीट्यूड का एक और वेक्टर बनाता हूं, सेम मैग्नीट्यूड का, देखो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, वेक्टर की जो लेंथ है वही उसकी मैग्नीट्यूड बताती है, ये एरो का लेंथ ही मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ठीक है। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, ये बी वेक्टर है, ठीक है, और कुछ इसको ऐसे कर लो, ये ठीक है, ये बी वेक्टर, ठीक है, तो इसकी मैग्नीट्यूड, इनका लेंथ इसका लेंथ बराबर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। लेकिन आपको अगर इसकी चेक करनी है कि इक्वल वेक्टर है कि नहीं, इसका मतलब मैग्नीट्यूड सेम कर लिया आपने, ठीक है, अब डायरेक्शन चेक करो कि डायरेक्शन है कि नहीं। तो मैंने क्या सिखाया, कैसे होगा, आप इसको शिफ्ट करो पैरेलली, बी को शिफ्ट कर लो इधर, नाम रख लो इसका, जैसे आपने पी क्यू रख लिया और ओ ए रख लिया, ठीक है, अब इसको शिफ्ट करो, बी को शिफ्ट कर लो या ए को शिफ्ट कर लो, किसी को भी शिफ्ट कर सकते हो, इसको ले जाओ यहां या इसको ले आओ यहां। तो आपने शिफ्ट किया इसको, तो ये शिफ्ट हुआ यहां पे, तो देखो क्या होगा, ये शिफ्ट हुआ तो क्या हुआ कि देखो इसका पी एंड ओ ये तो कंसाइड कर गया, देखो तो ये तो कंसाइड कर गया पी और ओ, लेकिन क्यू ए कंसाइड नहीं किया, आपने ऐसे शिफ्ट किया तो ओ तो कंसाइड, पी तो ओ से कंसाइड कर गया, लेकिन ये डायरेक्शन मेंटेन करनी है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल शिफ्ट करना है, पैरेलल, तो ओ से सो कंसाइड कर गया, इसका टेल कंसाइड कर गए, लेकिन हेड कंसाइड नहीं किए, हेड कंसाइड नहीं किए, हेड नहीं मिल पाए, आपने पी ओ तो मिला लिया लेकिन ये नहीं मिल पाए, इसीलिए ये वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, ठीक है। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन ये थी, क्यू की ये थी, बी ए वेक्टर की डायरेक्शन ये है, बी वेक्टर की डायरेक्शन ये है, मैग्नीट्यूड सेम था, तो डायरेक्शन अलग होने के कारण कैसे आपने ग्राफिकली देखा कि पी और ओ कंसाइड कर रहे हैं एक पॉइंट पे, नहीं कर रहे हैं, क्यू ए से कंसाइड नहीं कर रहा है, देखो यहां यहां शिफ्ट किए तो ये डायरेक्शन है, तो क्यू ए से कंसाइड नहीं कर रहा है, ठीक है, लेकिन हाँ ये पी ओ से कंसाइड कर रहा है क्योंकि आपने शिफ्ट किया पैरेलली, तो ये वेक्टर इक्वल नहीं होंगे। ये है एग्जांपल, टू टेल कंसाइड, यहां पे दोनों टेल जो पूंछ है वो कंसाइड कर रहे हैं, बट द टू हेड्स विल नॉट कंसाइड, टू हेड्स कंसाइड नहीं कर रहे हैं, टू टेल कंसाइड कर रहे हैं बट द टू हेड्स क्यू एंड ए कंसाइड नहीं कर रहे हैं। देखो यहां अब शिफ्ट करने के बाद क्यू यहां है, बट वो ये कंसाइड कर गया, टेल कंसाइड कर गए बट हेड कंसाइड नहीं किया, है ना, हेड नहीं मिल पाए, तो ऐसे वेक्टर इक्वल वेक्टर नहीं हो सकते। मैग्नीट्यूड सेम होने के बावजूद, सेम मैग्नीट्यूड होने के बावजूद ये वेक्टर इक्वल नहीं है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है, डायरेक्शन सेम नहीं होने के कारण ये इसकी टेल तो कंसाइड कर गई लेकिन हेड कंसाइड नहीं की, इसलिए वेक्टर इक्वल नहीं होगा। ये इसकी ग्राफिकल मीनिंग थी, समझना जरूरी था, ठीक है ना, आप लैंग्वेज से भी समझ चुके हो, ग्राफिकली भी समझ चुके हो, मेहनत करके समझा रहा हूं आपको, क्योंकि सीधा बोल के निकलना नहीं चाहता हूं, आपको समझ में आ जाए, ताकि मैं क्वेश्चन जब लगाऊं ना तो आपको एक डिफरेंट पेज का क्वेश्चन मैं लगवाऊं, एक फीलिंग आए आपको क्वेश्चन जब मैं लगवाऊं तो, हाँ मैंने जो सीखा है उसी आधार पर क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और वैसे ही वो सॉल्व भी हो रहा है जैसे मैंने सीखा है। एक जीरो वेक्टर होता है, समझ लो, वैसे वेक्टर और भी हैं, आपने सुना होगा फ्री वेक्टर होता है, फ्री वेक्टर आपने सुना है कि नहीं, कपल वेक्टर एक फ्री वेक्टर है, बट मैं उतना नहीं जा रहा हूं कि आपको सब कुछ बता दिया जाए, बाउंड वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना, उतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। हाँ तो ये है कि जीरो वेक्टर क्या है, जीरो वेक्टर देखो डिफाइन तो क्यों किया गया है, मजबूरी है जीरो वेक्टर डिफाइन करना, आप कहोगे मजबूरी क्यों, देखिए क्या है कि हम जो जो लॉज है, ध्यान से सुनिएगा, जो लॉज है फिजिक्स की, जो भी लॉज है, थ्योरम है, प्रिंसिपल है फिजिक्स की, जो भी चीजें हैं, आप कोशिश करते हैं इसको मैथमेटिक्स से समझने की, मैथ से समझने की, ठीक है, हर चीज को हम लोग मैथ से समझने की कोशिश करते हैं,
लेकिन इसका कारण कोई पूछे मुझसे कि क्यों क्यों मैथ से ही हम लोग कोशिश करते हैं फिजिक्स को मैकेनिक्स को इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करते हो, इनफैक्ट केमिस्ट्री में भी मैथमेटिक्स यूज की जाती है, तो क्यों साइंस को आप मैथ से समझने की कोशिश करते हो, मैथमेटिक्स का यूज करते हो? तो ये अभी भी मिस्ट्री है, ये अभी भी मिस्ट्री है, इसका आंसर नहीं है कि क्यों हम लोग टू अंडरस्टैंड फिजिक्स वी आर गोइंग टू यूज मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, फिजिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए वी हेल्प मैथमेटिक्स, वी यूज मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, टू अंडरस्टैंड लॉज ऑफ नेचर, टू अंडरस्टैंड प्रिंसिपल थ्योरम, हम लोग मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। बट इफ यू आस्क मी व्हाई वी यूज मैथमेटिक्स टू अंडरस्टैंड नेचर, आई विल से दिस इज मिस्ट्री, दिस इज मिस्ट्री, इसका आंसर नहीं है कि क्यों हम लोग मैथमेटिक्स यूज करते हैं फिजिक्स को समझने के लिए। जस्ट यूज करते हैं क्योंकि हमें समझ में आ रही है मैथमेटिक्स यूज करके, तो हम लोग यूज कर रहे हैं। इसकी मिस्ट्री अभी भी है कि हम लोग क्यों यूज करते हैं मैथमेटिक्स हिस्ट्री समझने के लिए, फिजिक्स समझने के लिए, है ना? तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ मजबूरी आ गई, मैथमेटिक्स को लेके हम लोग चलते हैं, आप समझ रहे हो, समझने के लिए। तो मजबूरी ये आ गई क्योंकि वेक्टर जो है, आपने अगर इक्वेशन सुना है ना मैथमेटिक्स में, अगर ये इक्वेशन है और इक्वल टू अब साइन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, समझना ध्यान से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं मैं, इफ फीलिंग आपको आए तब जाके आप क्वेश्चन को समझ पाओगे क्यों डिफाइन किया गया है ये सब चीजें, ठीक है? लेफ्ट हैंड साइड, मजबूरी क्या आ गई कि मैथमेटिक्स बोलती है, मैथ ये बोलती है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है आपको, अगर कोई लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है इक्वेशन में, तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर होना पड़ेगा। जब लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में भी वेक्टर होना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करनी है तो आपको वेक्टर दोनों साइड में होने चाहिए, अगर एक साइड में वेक्टर है तो दूसरे साइड में वेक्टर होगा, जाहिर सी बात है, अगर इधर वेक्टर है इक्वेशन में तो इधर भी वेक्टर होगा, या अगर लेफ्ट हैंड साइड में स्केलर है तो मैथमेटिक्स कहती है कि इधर भी स्केलर होगा, या इधर स्केलर है तो इधर भी स्केलर होगा, ये मैथमेटिक्स कहती है। तो फॉर मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी वी आर गोइंग टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स ये कहती है। और जीरो वेक्टर की क्या मजबूरी हो गई, मजबूरी ये आ गई, ये ध्यान से नोट कर लेना, जीरो वेक्टर की मजबूरी ये आ गई कि जब हमने दो वेक्टर को ऐड करने की कोशिश की, लेट अस से टू वेक्टर्स ए एंड बी, और दो वेक्टर को मैंने ऐड किया, दो वेक्टर अपने पास ए वेक्टर बी वेक्टर, ए वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है, और बी वेक्टर की बात करूं, ठीक है, तो बी वेक्टर कुछ ऐसे है, ठीक है, कुछ ऐसे है बी वेक्टर, ठीक है। और हमने क्या किया कि दो वेक्टर को मैंने ऐड करने की कोशिश की, लेकिन बात यह आई कि मैंने ऐड ऐसे किया कि मैंने दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम रखी, ए और बी की मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है इस एरो की, इस तीर की, तो लेंथ सेम है, आप जानते हो वेक्टर को तीर से दिखाते हैं, तीर से एक टेल होता है एक हेड होता है, टेल से हेड की ओर जाओगे तो वेक्टर की डायरेक्शन पता चलती है, और वेक्टर की जो लेंथ है इस तीर की वो उसकी मैग्नीट्यूड बता देता है वेक्टर की। इस तीर में टेल से हेड की ओर जाओगे तो टेल से हेड जो है वो सेंस बताएगा, डायरेक्शन बताएगा वेक्टर का, और ये जो वेक्टर की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बताएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना है वो बताएगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको। तो ये वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आपको डायरेक्शन क्या लग रही है, ये उल्टा नहीं लग रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये उल्टा डायरेक्शन नहीं है आपको, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, बट मैंने कोशिश किया कि मैग्नीट्यूड सेम रखूं, डायरेक्शन अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर को आप ऐड कर रहे हो, तो ऐड किए, चलो करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर आप ऐड करोगे तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आपने सेम रखा है तो ऐसा है ना, ए इक्वल टू बी, मैंने सिखाया अभी थोड़ी देर पहले, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये जो बी वेक्टर है ये अपोजिट वेक्टर है, आपने देखा, तो अपोजिट माइनस बी, और मैग्नीट्यूड सेम है तो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, सेम मैग्नीट्यूड है, यानी कि ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू ए, तो यहाँ पे ए भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेम मैग्नीट्यूड है, ए और बी का डायरेक्शन सेम नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन, तो ए इक्वल टू बी है, ए वेक्टर रखा, बी को ए मान लिया हमने, ठीक है, और ए ए क्या हो गया, माइनस जीरो हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड ले लो, जीरो हो गया, ठीक है। अब है इधर ये इक्वेशन है इक्वल टू जीरो,
ठीक है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है तो a इक्वल टू बी आपने रिप्लेस कर दिया। तो ये आपने दो वेक्टर को ऐड किया जिसकी मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है तो मैंने माइनस ले लिया, a माइनस है जीरो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है, दो वेक्टर को ऐड किया, राइट हैंड साइड में आपको जीरो मिला। अब बताओ मैथमेटिक्स कंसिस्टेंसी क्या बोलती है कि लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर है तो राइट हैंड साइड में वेक्टर होना पड़ेगा, या लेफ्ट हैंड साइड में स्केलर है तो राइट हैंड साइड में, मतलब बोथ साइड बराबर होने चाहिए, स्केलर स्केलर, वेक्टर वेक्टर, इधर वेक्टर है। मैथमेटिक्स ने कहा कि भैया इधर कुछ भी आएगा वेक्टर होना चाहिए, मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी चाहिए तो वेक्टर होना पड़ेगा इधर कुछ भी। अब आ गया इधर जीरो, अब लोग ने बोला कि भाई जीरो है, मैथमेटिक्स भी देखनी है क्योंकि मैथमेटिक्स के हिसाब से आप फिजिक्स को समझते हो, मैंने बताया आपको। लोगों ने बोला कि जीरो है और मैथमेटिक्स बोलती है कि इधर वेक्टर इधर भी वेक्टर चाहिए अगर एक साइड वेक्टर है तो, लोगों ने मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए इसको जीरो को जीरो वेक्टर बोल दिया, ले भाई ये वेक्टर है तू भी वेक्टर बन जा, तो इसको जीरो वेक्टर बोलते हैं फिर, ये कारण है। ठीक है कि मैथमेटिक्स हमारी सही रहे, ठीक है क्योंकि मैथमेटिक्स का यूज ही करते हो तो फिजिक्स को समझने के लिए, तो जीरो वेक्टर। अब पूछा गया कि भाई ये जीरो वेक्टर बना तो दिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है फिजिक्स में, तो लोगों ने बोला फिजिकल सिग्निफिकेंस तो बहुत कम है, जीरो वेक्टर हैज वेरी लिटिल फिजिकल सिग्निफिकेंस। उसके पहले लोगों ने पूछा कि वेक्टर है ना जीरो, तो लोगों ने बोला हाँ, तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड क्या है, तो भैया क्या मैग्नीट्यूड की बात करते हो, जीरो वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड जीरो होगा ना, मैग्नीट्यूड जीरो है ओके, तो डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए वेक्टर है तो, बोला कि डायरेक्शन काय को, जब जीरो मैग्नीट्यूड है तो डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट, तो इसकी जीरो वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड जीरो है तो मैग्नीट्यूड सीधा समझ में आ रहा है मैग्नीट्यूड जीरो है, जीरो वेक्टर है, और डायरेक्शन क्या है इसकी, डायरेक्शन इनडिटर्मिनेट या नॉन डिफाइंड, इनडिटर्मिनेट है या नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो जीरो वेक्टर क्यों बोलना पड़ा मैथमेटिक्स कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो बात यह है कि लिटिल फिजिकल सिग्निफिकेंस है इसकी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ये है। आप इसको जीरो वेक्टर कैसे समझ सकते हो कि एक ऐसी सर्कल है जिसका रेडियस जीरो है, यस आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसी सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, जीरो है, एक ऐसी सर्कल है जिसकी रेडियस जीरो है, एक ऐसी सर्कल है, यू कैन ड्रॉ ए सर्कल विथ जीरो रेडियस, तो जीरो रेडियस मैग्नीट्यूड जीरो हो गया, और यहाँ पे अगर देखोगे डायरेक्शन तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है यहाँ पे, तो इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है, मतलब इनडिटर्मिनेट है ना, डिफाइंड ही नहीं है डायरेक्शन, ये है मतलब इनडिटर्मिनेट। तो जीरो वेक्टर रिप्रेजेंट्स ए सर्कल विथ है, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड ले लोगे तो आप समझ सकते हो कि जीरो मैग्नीट्यूड है, सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे तो रेडियस अगर जीरो लोगे, क्योंकि सर्कल जो है वो रेडियस पे ही सब कुछ खेल है उसका, तो अगर रेडियस जीरो है तो सर्कल की रेडियस जीरो तो वो एक पॉइंट बन जाएगा, तो सर्कल एक पॉइंट पे आ जाएगी। ठीक है, तो यू कैन ड्रॉ ए सर्कल विथ जीरो रेडियस। ठीक है, तो ये इसकी मीनिंग है जीरो वेक्टर की, अगर देख लो मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करोगे, और अगर फिजिक्स में बात करूं तो क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेने की कोशिश करोगे, क्रॉस प्रोडक्ट मैं सिखाऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और ये दोनों वेक्टर पैरेलल है, जैसे ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल मतलब डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन है पैरेलल, है ना, पैरेलल है, दो वेक्टर अगर पैरेलल है, एंटी पैरेलल ये है, ये पैरेलल है, इसके बीच की एंगल बताओ कितना है, थीटा, जीरो डिग्री, पैरेलल है ये, इनके बीच का एंगल कुछ नहीं होगा, जीरो डिग्री, और ए क्रॉस बी अगर देखोगे तो ए बी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा, साइन थीटा थीटा जीरो रखोगे साइन जीरो जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज जीरो, टोटली जीरो, यू कैन गेट जीरो वेक्टर। तो इफ यू वांट टू प्रूफ जीरो वेक्टर इन फिजिक्स, तो यहाँ पे हेल्प आपको कर सकती है एक जगह, कि आप अगर आप दो वेक्टर को पैरेलल प्रूफ करना चाहते हो और उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो तो वो दोनों वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो जीरो होगा, इसका मतलब वो दोनों वेक्टर पैरेलल है क्योंकि जीरो डिग्री आपको पता चल रही है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, इसे मैं एक बार और बताऊंगा आपको। ठीक है, ये है जीरो वेक्टर की कहानी, और भी मैं कुछ बता सकता हूँ, लिटिल फिजिकल सिग्निफिकेंस है बट आप इतना ही ध्यान रखें। ठीक है, फिजिकल सिग्निफिकेंस लिटिल है, क्यों मैंने डिफाइन किया, जीरो वेक्टर क्यों बोला, मैंने मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी के हिसाब से आपको बताने की कोशिश की कि मैथमेटिक्स हमको बोलती है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इफ यू हैव स्केलर क्वांटिटी ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन यू आल्सो हैव यू मस्ट हैव स्केलर क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, इफ यू हैव वेक्टर क्वांटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन यू मस्ट हैव वेक्टर क्वांटिटी ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। ठीक है,
वेक्टर कैन क्या कहते हैं मैथमेटिकल कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ता है। ये हो गई। उसके बाद देखो, ये मैंने कुछ चीजों को आपको अच्छे से समझाया है, उसके बाद मैंने बात किया था, आपको समझ सकते याद होगी, मैंने फील्ड को मैथमेटिकली डिफाइन करने की कोशिश की थी, याद होगा तो, याद है? अगर वेक्टर एडिशन फॉलो होती है आप समझ सकते हो, और वेक्टर स्केलिंग की बात की थी। वेक्टर स्केलिंग वही है जो आप पढ़ते हो, किसी स्केलर को, किसी नंबर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करना, तो जितने बार मल्टीप्लाई करोगे उतने बार उसको ऐड कर दो, ये मीनिंग होती है। तो आपने सुना होगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए नंबर, रियल नंबर, वो सेम मतलब है वेक्टर की स्केलिंग करना, ठीक है? तो वेक्टर एडिशन, ठीक है, और वेक्टर स्केलिंग मैथमेटिकली अगर कंबाइन करोगे, ये दो प्रॉपर्टी वेक्टर फील्ड आप समझ चुके हो अच्छे से, स्केलर फील्ड मैंने आपको समझा दिया है, अगर मैथमेटिकली आप कंबाइन करोगे ये दो चीज को, वेक्टर एडिशन, वेक्टर स्केलिंग, वेक्टर स्केलिंग, वेक्टर स्केलिंग का मतलब अगर ये a है तो अगर 2a करना है तो उतना आप आगे बढ़ा दो 2a, तो सेम चीज है ना, 2a का मतलब क्या है, a है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितने बार आप मल्टीप्लाई करो उतना बार आगे बढ़ा दो, उतना बार जोड़ दो वेक्टर को, a है तो a को दो बार जोड़ दो तो 2a हो जाएगा। ये वेक्टर स्केलिंग है, यही आप बोलते हो मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए वेक्टर विद नंबर, रियल नंबर से बात करते हो, पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर हो सकते हैं, वेक्टर स्केलिंग ही है उसका मतलब। अगर ये दो प्रॉपर्टी कोई फिजिकल क्वांटिटी फॉलो कर रही है, इफ यू आर गोइंग टू कंबाइन बोथ दीज टू प्रॉपर्टी ऑफ ए वेक्टर, यू आर गोइंग टू गेट मैथमेटिकली ए फील्ड, आपको एक फील्ड मिलेगी, ये मैथमेटिकली मिलती है। इलेक्ट्रिक फील्ड को इसीलिए फील्ड बोलते हैं बिकॉज ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मैग्नेटिक फील्ड को फील्ड इसलिए बोलते हैं बिकॉज ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है एज वी एक्सपेक्टेड टू, ठीक है? तो जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो दोनों फॉलो करना चाहिए, करती है फॉलो, इसलिए हम लोग फील्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दो प्रॉपर्टी, ठीक है? तो ये भी आप मैथमेटिकली समझ चुके हो, इफ यू आर गोइंग टू कंबाइन बोथ दीज टू प्रॉपर्टी यू आर गोइंग टू गेट मैथमेटिकली ए फील्ड, मैथमेटिकली आपको फील्ड मिलेगी जब ये दो प्रॉपर्टी आप कंबाइन करके देखोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, यस फील्ड है क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करती है वेक्टर की, वेक्टर एडिशन मैंने पिछली क्लास में बताया था, वेक्टर स्केलिंग अगर ए है 2a करना है तो यहां से अपनी लाइन बढ़ा दो, 3a करना है 3a, ये a है ये 2a है पूरा, और 3a करना है तो उतना और आगे बढ़ा दो, ये 3a हो जाएगा। मतलब जितना a है उसी को उतने नंबर ऑफ टाइम्स जोड़ते जाओ, a है 2a उतना और जोड़ दो, 3a करना है तो इतना और आगे बढ़ा दो, ये स्केलिंग बोलते हैं, या आप रियल नंबर से ऐड करते जा रहे हो, रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हो, पहले a से किए, a मतलब 1a 2a 3a, यही तो है ना, मल्टीप्लीकेशन कर रहा है रियल नंबर का, आपने इस वेक्टर में आपने मल्टीप्लाई किया, इसी का मतलब स्केलिंग भी होती है, आप वेक्टर की स्केलिंग कर रहे हो। ये दोनों कंबाइन करोगे आपको फील्ड मिलेगा मैथमेटिकली, और इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टी वो दोनों फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं इसलिए आप बोलते हो। और मैंने फिजिकली भी समझा दिया फील्ड क्या होता है, फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट टेक्स ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑन डिफरेंट लोकेशन, ठीक है, मैंने बताया था, ये नोट कर लेना, ठीक है? अगर मैं बताऊं वेक्टर एडिशन, थोड़ा सा समझ लो फट से, वेक्टर एडिशन क्यों मैं जोर दे रहा था कल, इन ऑर्डर मैं बता रहा था ना, इन ऑर्डर क्यों जोर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे आपको फोर्स ट्रायंगल समझाना है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन फोर्स ट्रायंगल से सॉल्व करूंगा, थ्री अगर फोर्सेस है आपके पास तो मैं लामिस का भी यूज कर सकता हूं और फोर्स ट्रायंगल से भी सॉल्व कर सकता हूं, कभी कभी लामिस डिफिकल्ट हो जाते हैं बिकॉज लामिस में साइन थीटा आएगा, साइन रूल ही है वो एक ट्रायंगल का, लामिस तो साइन थीटा कॉस थीटा एक मिलकर मिक्स होकर आते हैं तो डिफिकल्ट हो जाती है कभी कभार, लेंदी प्रोसेस हो जाते हैं, तो मैं फोर्स ट्रायंगल का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा, फोर्स ट्रायंगल लूंगा, कोसाइन लॉ को लगाऊंगा और सॉल्व कर लूंगा, कोसाइन लॉ ऑफ ट्रायंगल आप समझ सकते हो, जाने सुने होंगे आपने, तो मैं वैसे भी सॉल्व कर लूंगा, तो फोर्स ट्रायंगल मैं सिखाना चाहता हूं, इसीलिए इन ऑर्डर करके सिखा रहा हूं क्योंकि एक्चुअल ऐसे ही डिफाइन है वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन अगर दो वेक्टर आपके पास है, दो वेक्टर, वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है, ठीक है? तो वेक्टर को आप स्पेस में क्या कर सकते हो, अगर उसकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रख रहे हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप उसको कहीं भी मूव कर सकते हो स्पेस में, याद है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम, ऐसे वेक्टर को फ्री वेक्टर बोलते हैं, बट आप उतना नहीं जाएंगे, फ्री वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनकी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम होती है और आप वेक्टर को आप मूव कर रहे हो स्पेस में, तो कोई भी एनालिसिस में कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा, वो वेक्टर आपकी एनालिसिस में कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है, अगर आपने वेक्टर की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम रखी है
और आपने कहीं भी मूव किया स्पेस में, तो दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज योर एनालिसिस एनी वे. आपकी एनालिसिस चेंज नहीं करेगा. वैसे वेक्टर फ्री वेक्टर कहलाते हैं. लो मैंने बता भी दिया, ठीक है. तो ऐसे वेक्टर को आप मूव कर सकते हो. उसकी मैग्नीट्यूड सेम रखा, लेंथ सेम रखनी है, डायरेक्शन सेम रखना है. जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में. तो लो मैंने मूव किया ए को, थोड़ा बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. लो मैग्नीट्यूड सेम रखना है, लेंथ सेम रखना है, ठीक है. बी वेक्टर को मैंने क्या किया, मूव किया, पैरेलली मूव कर ले आओ यहां से. और कैसे जोड़ना, कैसे है ट्रायंगल लॉ में कैसे जोड़ना है. एक वेक्टर आपने ड्रॉ किया, उस वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर जो बी है उसका टेल से ऐड करेंगे. ये ए वेक्टर का हेड, ये हेड है वेक्टर का हेड, ये टेल है, मैंने सिखाया था. ये बी वेक्टर का टेल है और ये हेड है. तो कैसे ऐड करोगे ट्रायंगल लॉ में, ए वेक्टर का हेड बी के टेल से ऐड करोगे. तो इसको बोलते हैं इन ऑर्डर में चल रहे हो, ठीक है. हेड टेल एडिशन होगी तो इन ऑर्डर है, इन ऑर्डर आपने ऐड किया है, ठीक है. तो ये दो वेक्टर हो गए ए और बी. जब ये एक ट्रायंगल बनेगा, दो साइड हो गए ट्रायंगल के, तीसरा साइड, तीन साइड होते हैं ट्रायंगल में. ट्रायंगल में कितने साइड होते हैं, तीन साइड, ठीक है. क्वाड्रिलेटरल में चार साइड होते हैं, ठीक है. ट्रायंगल थ्री साइड होते हैं, क्वाड्रिलेटरल में हो जाएंगे पैरेललोग्राम. तो थर्ड साइड जो ट्रायंगल है, क्लोजिंग साइड जो होगी, वो थर्ड साइड आपको ऐसे मिलेगी. इसका मतलब क्या है, ये रिवर्स ऑर्डर में. एक्चुअली आप देखोगे, एक्चुअली अगर इन ऑर्डर में चलना चाहो तो हेड टेल ऐड करोगे. तो ये बी वेक्टर का हेड है और यहां पे ए वेक्टर का टेल है, तो हेड टेल ऐड करोगे ना. देखो एक्चुअली ये हो गया, ये हेड है और ये टेल है. अगर हेड इन ऑर्डर चलना चाहोगे, जैसे हेड टेल ये रिजल्टेंट वेक्टर है, कोई भी वेक्टर रिजल्टेंट वेक्टर होगा. थर्ड साइड जो होगा क्लोजिंग साइड ट्रायंगल का, वो रिजल्टेंट होगा, ठीक है. अब वो रिजल्टेंट कैसे मैं निकाल रहा हूं, ये रिजल्टेंट जो है हेड टेल जो आप जोड़ रहे हो इन ऑर्डर और यहां पे गए, तो ये हेड है रिजल्टेंट का और ये इनिशियल वेक्टर का टेल है. ऐसे आपको रिजल्टेंट नहीं मिलेगा यहां पे रिजल्टेंट आपको निकालना है. तो रिजल्टेंट जो होगा वो इन ऑर्डर नहीं, रिवर्स ऑर्डर में जोड़ना है आपको. जो थर्ड साइड है ट्रायंगल का, उसका रिवर्स ऑर्डर होगा. यहां से यहां चले, अब क्या होगा कि थर्ड साइड होगा, वो रिजल्टेंट जो होगा वो इनिशियल वेक्टर का टेल और रिजल्टेंट का टेल कंसाइड करेगी, और बी वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कंसाइड करेगी. यानी कि ऑर्डर रिवर्स हो चुका है. सेम चल रहे थे हेड टेल, यहाँ हेड टेल नहीं हो, हेड हेड हो गया, यहाँ टेल टेल हो गया रिजल्टेंट के साथ. तो ये इन ऑर्डर है, हेड से टेल मिला है, यहां गए, तो रिजल्टेंट जो निकाल रहे हो थर्ड साइड ट्रायंगल का है, वो उसका रिवर्स ऑर्डर हो गया. एक्चुअली ये रिवर्स ऑर्डर में एडर, ऐसे चलोगे तो सेम ऑर्डर होता है, बट वैसे रिजल्टेंट नहीं मिलेगी आपको, रिवर्स ऑर्डर में इसको ऐड करना है. तो ये रिवर्स ऑर्डर में आपने ऐड किया रिजल्टेंट को, रिवर्स ऑर्डर, ठीक. ये है ट्रायंगल लॉ, ठीक है. इसलिए मैंने क्यों ऑर्डर बात किया, क्योंकि आपको फोर्स ट्रायंगल में सिखाऊंगा, फोर्स ट्रायंगल, ठीक है. वहां पे इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करूंगा. अगर आपको किसी बॉडी पे इक्विलिब्रियम जीरो करना है, यहीं से समझ लो इक्विलिब्रियम जीरो करना है, फिर मैं सिखाऊंगा इक्विलिब्रियम जो समझाऊंगा, थोड़ा सा यहां समझ लो फोर्स ट्रायंगल में कैसे मैं यूज करूंगा. तो क्या करना है, अगर आपने किसी ट्रायंगल को इन ऑर्डर जोड़ दिया, यानी कि देखो, जैसे इन ऑर्डर बात कर रहा था ना पहले ब्लू वाले से, देखो कैसे ए वेक्टर हो गया ये, ठीक है. इन ऑर्डर मतलब बी वेक्टर का क्या होगा, टेल ए वेक्टर के हेड से ऐड होगी. यानी कि इन ऑर्डर चल रहे हो, इन ऑर्डर चल रहे हो, हेड टेल, और सी जो ए वेक्टर बी वेक्टर हो गया, ठीक है. और जो ये क्लोजिंग साइड है ट्रायंगल की, उसमें आपने इन ऑर्डर ही जोड़ दिया, हेड टेल ए वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का टेल, बी वेक्टर का हेड, और ये एक वेक्टर आपने डोला है टेल से, हेड यहां है, ये सी वेक्टर है. मान लो इन ऑर्डर चले, हेड टेल, ए वेक्टर का हेड, बी वेक्टर का टेल, चले बी वेक्टर का हेड, सी वेक्टर का टेल, और सी वेक्टर का हेड यहां है और ए वेक्टर का टेल है. तो हेड टेल आपने इन ऑर्डर ऐड किया. तो ऐसे में जो किसी बॉडी पे अगर ये फोर्स है, कोई भी वेक्टर हो सकता है, फोर्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है. एक नॉर्मल एग्जांपल ए बी से समझा रहा हूं मैं. अगर ये फोर्स है तो ये बॉडी जो रिजल्टेंट होगी इस पे, किसी बॉडी पे अगर ये फोर्स लग रही है, जैसे आप देख लो, ये ऐसे थोड़ी हवा में थोड़ी लग रहा हो, किसी बॉडी पे लग रहा होगा. हम लोग समझाने के लिए हम लोग ए बी लेके बोलते हैं, बट कहीं ना कहीं ये बॉडी पे लग रही होगी. जैसे ये कोई बॉडी है, रिजिड बॉडी, ठीक है, इंजीन मैकेनिज्म में रिजिड बॉडी पढ़ते हो ना. आपने लगा दिए तीन फोर्स, देखो ये एक ए ऐसे लगा, बी देखो बी मान लो ऐसे लगाया, यानी कि ए मतलब F1 हो गया, B मतलब F2 हो गया, ऐसे लगा लो वेक्टर, ठीक है. और एक C है, C देखो कैसे लगा है, ऐसे. तो C वेक्टर मान लो कुछ आपने ऐसे खींच दिया,
सी वेक्टर, तो कुछ बॉडी पे ऐसे ये एफ, ये आपको एफ थ्री फोर्स है मान लो, ठीक है, तो ये ऐसे आपको किसी बॉडी पे फोर्स लगी हुई है ए बी सी, ये कुछ बॉडी पे फोर्स लगा हुआ, उसी को हम लोग ऐसे पहले दिखाते हैं, एक्चुअली कहीं ना कहीं बॉडी पे लगी होगी ना फोर्स, किसी पार्टिकल पे लगी होगी, किसी बॉडी पे लगी होगी, तो ये अगर आपने इन ऑर्डर ऐड किया, ये एक ट्रायंगल है, यस, इन ऑर्डर आपने ऐड किया इस वेक्टर को, तो ये बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट है, अगर फोर्स ले रहे हो वेक्टर को, वेक्टर कुछ भी हो सकता है, फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कुछ भी वेक्टर हो सकता है, बट यहाँ पे अगर फोर्स ले रहे हो तो नेट रिजल्टेंट इस पे जो है वो जीरो होगा, अगर आपने इन ऑर्डर ट्रायंगल को क्लोज किया है, क्लोज लूप, इफ यू आर गोइंग टू फॉर्म क्लोज लूप बाई एडिंग वेक्टर्स इन ऑर्डर, देन द रिजल्टेंट ऑन दिस बॉडी इज गोइंग टू जीरो, इक्विलिब्रियम में है बॉडी, इक्विलिब्रियम बॉडी, इक्विलिब्रियम में, स्टैटिक इक्विलिब्रियम की बात मैं बताऊंगा, वहां पे भी बताऊंगा ये चीजें, बट यहां पे समझ जाओ, क्योंकि ट्रायंगल समझ रहे हो, तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यहां पे नहीं, तो ये क्या है, अगर इसको समझना है तीन है, तो इसको वेक्टर के फॉर्म में अगर समझाना चाहूं एलजेब्रिकली, आप समझना चाहते हो तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इन ऑर्डर है, प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, यहां पे क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, अब इन ऑर्डर नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में है, तो वो हो जाएगा आर वेक्टर जो है आपका ये रिजल्टेंट, वो ए प्लस बी वेक्टर हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर, बट यहां पे क्या आएगा, ए वेक्टर इन ऑर्डर, बी वेक्टर, सी वेक्टर इन ऑर्डर में है, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, इन ऑर्डर क्लोज लूप ट्रायंगल, यहां पे कैसा बना है ये, इन ऑर्डर क्लोज लूप ट्रायंगल, इन ऑर्डर है, यहां पे इन ऑर्डर नहीं है, यहां तक तो ऑर्डर है हेड टेल, लेकिन यहां पे ये वाला जो थर्ड साइड है ये रिवर्स ऑर्डर में है, तो ये इन ऑर्डर नहीं है, ये इन ऑर्डर क्लोज्ड लूप ट्रायंगल आपने बनाया है, जब भी इन ऑर्डर क्लोज लूप ट्रायंगल बनेगा तो रिजल्टेंट जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, तीनों वेक्टर को ऐड करो इक्वल टू जीरो हो गया, ये इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है, यहां से समझना चाहो तो ए प्लस बी, ये सी वेक्टर जो है माइनस ए प्लस बी, आप इधर ले जाओ सी, सी वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी, देखो ए प्लस बी इक्वल टू आर, यहां से इसको देखो समझा रहा हूं, ए प्लस बी इक्वल टू आर, ए प्लस बी और सी ये माइनस में है, तो जो ये है और ये माइनस में, ए प्लस बी माइनस में, ए प्लस बी जो रिजल्टेंट है वो ऐसे है, और ए प्लस बी का माइनस क्या होगा, सी वेक्टर जो आपने दिया है, देखो इसको ऐसे साइन हो गया, साइन चेंज कर गया, देखो ए प्लस बी रिजल्टेंट है जो कि इस और इधर जा रहा है रिजल्टेंट ए प्लस बी, बट अगर माइनस में है जो कि सी वेक्टर, तो सी वेक्टर माइनस में ए प्लस बी है, ए प्लस बी ऐसे है, माइनस में ए प्लस बी जो कि सी है, तो माइनस में क्या होगा, ऐसे नहीं जाके ऐसे आएगा, तो ये है सी ए प्लस बी माइनस में, ये मतलब है सी वेक्टर ए प्लस बी का माइनस, मतलब रिजल्टेंट का माइनस है, यानी कि ऐसा डाल सकते हो सी वेक्टर इक्वल टू माइनस आर वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट ऐसे है तो सी वेक्टर जो है ऐसे है, ये है, ये एक्चुअल मीनिंग है, आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, ये कहानी है अपनी, बहुत इसमें ध्यान से मैंने समझाया है, ये इतना जल्दी मैंने स्किप नहीं किया चीजों के, ये बस ऐसे ऐसे बता के निकल जाओ, ये कहानी है, आप समझ चुके होंगे क्या मैंने समझाने की कोशिश की है, डायरेक्शन अपोजिट करना है, ये देखो ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी थ्री वेक्टर इज गोइंग टू एड अप जीरो, देन द रिजल्टेंट ऑन दिस बॉडी इज जीरो, रिजल्टेंट का मतलब जीरो, ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में रेस्ट में मूव नहीं कर रही है, ठीक है, और अगर रिवर्स ऑर्डर में आपने रिजल्टेंट को ऐड किया है तो ये ट्रायंगल लॉ बन गया ए प्लस बी, यही बोलती है, बट रिजल्टेंट जीरो करना है तो ए प्लस बी प्लस सी इन ऑर्डर बनाओ क्लोज लूप ट्रायंगल, हेड टेल से ऐड करो और ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी जीरो, मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी पे नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो, नेट रिजल्टेंट फोर्स जीरो, मतलब कि बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, और भी कुछ कंडीशन होते हैं सफिशियंट एंड नेसेसरी कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए, बट आप इतना समझ सकते हैं नेट रिजल्टेंट फोर्स इस बॉडी पे जीरो है, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये रेस्ट में कहीं नहीं मूव कर रही है, बस जहां है वहां है, कब, जब नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, अगर फोर्स ले रहे हो वेक्टर के रूप में ए बी सी, अगर फोर्स ले रहे हो वेक्टर को, तो इस बॉडी पे जो फोर्स मैंने दिखाया है जीरो है, ठीक है, और आप ऐसे समझ सकते हो ये और ये, ये सी वेक्टर, ये आर वेक्टर कैसा है, सी आर बराबर तो है, साइन अपोजिट है, एक ऐसे है तो एक ऐसे है, साइन अपोजिट यही तो मतलब हुआ ना, एक ऐसे तो एक ऐसे, साइन अपोजिट है, तो ये है अपनी कहानी, ठीक है, इन ऑर्डर क्लोज लूप ट्रायंगल बनेगा तो रिजल्टेंट फोर्स बॉडी पे जीरो होगी, ठीक है, तो ये मैंने
आपको फिजिकली बताने की कोशिश की है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे फिजिकली और समझाऊंगा, इसके आगे पैरेललोग्राम ब्लॉक कब लगाएंगे और आगे क्या कहते हैं पॉलीगन ब्लॉक कब लगाएंगे, पैरेललोग्राम ब्लॉक का मतलब क्या है, कैसे हम लोग लगाते हैं और किसने पैरेललोग्राम ब्लॉक की बात सोची थी। स्टीविनियस का नाम हमने सुना है, स्टीविनियस एक्चुअली उन्होंने पैरेललोग्राम ब्लॉक की बात की थी कि आप फोर्स को एक वेक्टर के फॉर्म में बता सकते हो, एरो के फॉर्म में बता सकते हो, आप उसको पैरेललोग्राम ब्लॉक के हिसाब से उसको ऐड कर सकते हो। स्टीविनियस ने बहुत पहले इन्होंने बताया था पैरेललोग्राम ब्लॉक के बारे में, है ना। तो मैं उनकी अगली क्लास में बात करूंगा, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, आई होप सब समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन में बहुत लगवाऊंगा ये इस समझ में। फोर्स ट्रायंगल आपको लग रहा होगा क्यों मैंने बताया, ये मैं फोर्स ट्रायंगल में यूज करूंगा। लामीज थ्योरम कभी कभी हम यूज नहीं करेंगे, लामीज थ्योरम कभी कभी डिफिकल्ट पड़ जाती है, साइन थीटा कॉस थीटा मिक्स हो जाते हैं वहां पे, तो फिर मैं कहूंगा क्यों फोर्स ट्रायंगल से सीखो ना, फोर्स ट्रायंगल से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखना मैं गेट के क्वेश्चन कैसे लगाऊंगा, फोर्स ट्रायंगल से हम लोग सॉल्व करेंगे। लामीज थ्योरम लग सकती है, लेंदी प्रोसीजर हो जाएगी, गेट में हम लोग लेंदी नहीं करना ना, जल्दी सॉल्व करना है, कंपटीशन प्रॉब्लम है ये, ट्वेल्थ की प्रॉब्लम नहीं है या इंजीनियरिंग की नहीं सॉल्व कर रहे हो, बस भर दो कॉपी लामीज से, वहां आपको इंटेलिजेंस माइंड दिखा रहा है, माइंड इंटेलिजेंस दिखाना है कि हाँ मैं कैसे सोच सकता हूँ, तो फोर्स ट्रायंगल का हम लोग यूज करेंगे ऐसे। अगर आप वेक्टर को फोर्स के रूप में ले रहे हो, वेक्टर तो कुछ भी हो सकता है, फोर्स एक्सीलरेशन वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है, फोर्स ट्रायंगल हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पर हम लोग लामीज थ्योरम का अल्टरनेट यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लामीज थ्योरम में भी थ्री फोर्सेस चाहिए, थ्री वेक्टर पे ही लामीज थ्योरम लगते हैं, थ्री वेक्टर, बट थ्री वेक्टर से आप ट्रायंगल ही बना सकते हो। तो हम लोग फोर्स ट्रायंगल बनाएंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कोसाइन लॉ लगा देंगे, कोसाइन लॉ लगा के हम लोग आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। किसी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है ये सब निकाल सकते हैं कोसाइन लॉ लगा के, या मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो कि एक वेक्टर का दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ तीसरे का निकाल लोगे। फोर्स ट्रायंगल, ट्रायंगल मतलब थ्री होंगे ना, ट्रायंगल मतलब थ्री साइड हम लोग थ्री वेक्टर से दिखा देंगे, मतलब थ्री फोर्स से दिखा देंगे एकदम प्रोपोर्शनल। और हम लोग अगर दो साइड दिया होगा तो तीसरा साइड निकाल सकते हो, या आपको एंगल नहीं दिया है तो एंगल निकाल सकते हो कोसाइन लॉ लगा के, मैं दिखाऊंगा कैसे। लामीज से भी कर सकते हो, लामीज कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कभी कभी आसान हो जाती है लामीज थ्योरम, तो मैं दिखाऊंगा कैसे करना है उसको, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बात करता हूँ, थैंक यू।